कोई अभी ना मुझे ना बुलाकर आया अंदर से। ये देखो यहाँ पे कॉकटेल आया हुआ है किसी का उड़ा हुआ। ओए होए भगाओ नहीं बुलाओ। वाह यार अभी ऐसा बारिश वाला मौसम हो रहा था फिर धूप निकल गई, गरज रहा था कब से। आ जाओ तुम लोग बाहर आ जाओ। ये इतने सारे अंडे जो खराब हुए हैं और सब में ना बच्चे जो है ना वो मरे हुए हैं, तो इनका टाइम भी पूरा हो चुका था। अभी ये सारे चेक करता हूँ फिर उसके बाद देखते हैं कितने में बच्चे बने हुए थे। जो भी है ना सारे मरे हुए हैं, या तो हमारा इंक्यूबेटर खराब है या तो कुछ हम लोग ना गलती वगैरह कर रहे हैं। अभी जो है ना सिर्फ ना दो अंडे बचे चेक करने के लिए, सारे जो है ना अंदर मरे हुए। अब हम लोग ये करेंगे या तो कोई कुड़क मुर्गी लेंगे या इंक्यूबेटर चेंज कर देंगे। ये देखो यार तकरीबन ना हमारा ये 50-60 हज़ार रुपये का कम से कम ये नुकसान हुआ हुआ है। ये अंडों को इसमें फेंक दो। देखो यार कितना गंदा पानी कर दिया। साफ करते हैं 3-2-1। ये देखो इनका पानी साफ हो चुका है, अब कितना सुकून में आ गए होंगे ये लोग। ना गंदा पानी कर दिया था ना कबीर ने इन लोगों का। अच्छा साहब है ना मुझसे ना कमेंट में एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं कि कबीर आपका कौन है, कबीर आपका कौन है। कबीर खुद बताओ आप मेरे कौन हो? फ्रेंड। फ्रेंड है यार। मौसम हो रहा है यार। अच्छा जी बोलिए। हाँ किसको दूं? किसको दूं? किसको दोगे? बारिश शुरू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना हम लोगों को ना अपने ना कुत्तों का नहलाना था, लेकिन अभी जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई है तो हम लोगों को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। कुत्ते जो है ना बहुत गंदे हो रहे हैं तो हम लोग किसी और दिन नहला देंगे। अभी बारिश हो रही थी अभी रुक गई, अभी फिर स्टार्ट हो जाएगी। इतनी सारी खुशियाँ ना एक साथ मिल रही हैं। कल पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँच गया, आज बारिश हो गई। ये सारे खुले हुए हैं, डक्स की तो खैर है, इनको बंद करूँगी। जल्दी अंदर जाओ। हैजॉग पता नहीं कहाँ पर है। हैजॉग है ना ज्यादातर इधर ही रात में ना खुला रहता है, या तो इसके अंदर होता है सो रहा होता है, सुबह के टाइम नहीं है यहाँ पे भी, या इसके अंदर होता है यहाँ पे भी नहीं है। आओ कबीर हैजॉग इधर से चलो, आओ जल्दी आओ। बारिश हो रही है, जल्दी आओ यार। हैजॉग पता नहीं कहाँ गया। या तो है ना हमारा हैजॉग है ना तीन जगह है उसकी, जहाँ सोता है इसके अंदर होता है, इधर इसके नीचे, इसके नीचे। ये देखो ये टॉर्टोइस है पूरा, तो इधर भी नहीं है। अब मुझे पता है जो कहाँ होगा। एक ये रहा, आ जाओ इधर है, आओ आओ इधर है, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, ढूंढो हैजॉग। और कुत्ते जो है ना यहाँ से निकलते थे तो ये रास्ता हमने पूरा ब्लॉक कर दिया है। आओ जल्दी 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 जल्दी। ये देखो इसके नीचे होता है, इसके नीचे है या नहीं है देखो, जाके देखो। है, है? है? अरे हाँ ये रहा, ये देखो यहाँ पे नीम का दरख्त है ना, इसके नीचे ठंडक होती है तो ये यहाँ पर आ जाता है। अब ये आया कहाँ से पता नहीं, चोर है। हैजॉग जो है ना वो मिल चुका है, अब देखते हैं ये निकल कहाँ से रहा है यार। एक रास्ते को मैंने ब्लॉक करा हुआ है। अभी फिलहाल है ना हैजॉग को इधर अंदर छोड़ देता हूँ यार। अभी इसका ना कंफर्म नहीं हुआ है ये मेल है या फीमेल है, जब पता चलेगा ना फिर हम लोग इसके लिए ना साथी लेकर आएंगे, फिर हम लोग इसकी ना ब्रीडिंग कराएंगे प्रॉपर, एम्प्रेस मार्केट जाएंगे। लेकिन अभी पता तो चले ये मेल है या फीमेल है। ये मेरे ख्याल से ये देखो ये यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है, इसका भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। आ जाओ चलो एलेक्स, ये लो एक मिनट, ये लो एलेक्स गो जाओ। एलेक्स को बोला है, कबीर को नहीं बोला, लाएगा एलेक्स लाता है। आजा शाबाश एलेक्स गुड बॉय। हाँ आपका बॉल है। कबीर कैसे कर रहे डॉगी? और एलेक्स तो वैसे ही बहुत बात मानती है, बहुत अच्छी बच्ची है ये है ना, ओवर है ये, बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है, बदमाश बच्चा है ये, गंदा बच्चा है ये। हाँ वो है अच्छा बच्चा नहीं बच्ची है ये। लो कबीर रखो, नहीं देना, दे दिया आपने उसको यार। ओए नहीं एक काम करते हैं फुटबॉल खेलते हैं मैं और आपको, कौन चाहिए एलेक्स या एलेक्सा? एलेक्सा, एलेक्सा शरीफ है इसलिए एलेक्सा रख रहे हैं, सही है। अब छीनना, लाओ एलेक्सा लाओ।
ये लो। और तेज बारिश शुरू हो गई। हम उनको बाहर लेके चलते हैं। आओ। इधर ही रहो, इधर ही रहो, इधर ही रहो, नीचे नहीं आना। बस इनको थोड़ा सा यहाँ तक लाया हूँ। अभी हम लोग ना एलेक्स और एलेक्सा को बाहर लेकर आए हुए। वैसे तो हम लोग ना आधी रात को उनको वॉक कराते हैं जब कोई भी नहीं होता है, गाड़ियाँ वगैरह, तो अभी लाए हुए। तेज हो गई, आ जाओ एलेक्स, आओ जाओ एलेक्स, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, तेज यार कबीर, तो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ एलेक्सा, आ जाओ, हो गया बहुत, चलो जल्दी कर कर आओ। शाबाश शाबाश एलेक्सा, इनके मजे हुए हैं। कभी दरवाजा बंद कर दो। तो अभी जो है ना इनको वॉक भी करा लिया, अभी थोड़ी देर में इनका खाने का टाइम होने वाला है, तो अच्छे से ये लोग खाना खाएंगे। नेवले ने अपना पट्टा खुलवा लिया और ना वो दो तीन दिन तक ना हम लोगों ने उसको हाथ में नहीं लिया ना, तो वो इतना जंगली हो गया ना, वो हाथ भी नहीं लगाने दे रहा। तो अभी जो है ना हमें समझ नहीं आ रहा कि नेवले का करें क्या। ये है तो मुझे बहुत प्यारा, लेकिन अब जब वाइल्ड हो गया तो क्या फ़ायदा पालने का। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको ना रिलीज ही कर दें। तो तुम लोग कमेंट में बताओ उसका क्या करना चाहिए। ये मुझे बहुत पसंद है, जब मैं लाया था ना कुत्तों से ज़्यादा मुझे खुशी इसकी थी, लेकिन अब हमारा लिटिल जिमी जो है जंगली हो गया है। तो ये रहा मेरा नाश्ता, इसकी सर्दी है ना, मैं ये डक्स को दे देता हूँ, ये डक्स खा लेंगे, सही है। ये जो है ना हमारी कॉफ़ी आ चुकी है, अभी बारिश होना ना वहाँ पर स्टार्ट हो गई है। मैंने अभी जो है ना फैट बर्नर खाया थोड़ी देर पहले, और वो है ना एक गोली जो है ना 3 या 4 कॉफ़ी के बराबर होती है। अभी मैं नीचे आऊँगा ना कंफर्म करूँगा, और ऊपर से मैंने कॉफ़ी पी ली। कैसा साफ सुथरा हो गया पीछे यार बारिश के बाद। अभी जो है ना मैंने शॉट ले रहा था इधर फंसा के, कैमरा गिरने वाला था, जैसे बचाने गया ना कॉफ़ी मेरी आधी नीचे गिर गई। यार यही होता है। कितना बड़ा हो गया ये वो बच्चा कबूतर का, बाल बाल सब आ गए इसके। ये देखो इस पे लिखा हुआ है 1-2 कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी के बराबर होती है। अभी तो ये वाला मेरा जो है ना ये ख़त्म होने वाला है। ये मेरी बॉडी पे ना सूट कर रहा है, इसका कोई ना इतना साइड इफेक्ट वगैरह नहीं हो रहा। तो अब ना मैं इसका ना हार्ड कोर वाला लूँगा, तो उससे और स्ट्रॉन्ग होता है वो। तो ये मुझे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है भाई, तुम लोग अपना देख लेना, क्योंकि ना हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। तो अभी जो है ना हम लोग ने ना चेंज वगैरह कर लिया जिम जाने के लिए। अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, मुझे इस चीज़ की इतनी खुशी है ना, ये जो मैंने पहनी हुई है ना कुछ टाइम पहले ना, ये मेरी यहाँ से नीचे तक नहीं उतरती थी। देखो यार कैसी प्रॉपर मुझे ये पूरी फिट आ गई, मैं सही बता रहा हूँ, ये मेरी यहाँ से नीचे नहीं उतरती थी, मैं इतना मोटा था। ये चाबी ले लूँ मैं, चाबी और ये 1-2-3 फ्रेश अप। इस फैट कम करने के लिए मेरे पास ना ये भी था, ये तुम लोगों ने नेट पे देखा होगा, इसके एड्स वगैरह आते होंगे, पर इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छी 3 फ्रेश अप एक साथ खा लो। ये मेरे ट्रेनर ने ही मुझे बताया है, ये बिल्कुल बकवास है, ये तुम लोग कभी नहीं लेना। ये जो आ रहा होगा ना फेस फैट कम करने के लिए, जो ऑनलाइन वगैरह के लिए, तो उससे अच्छा फ्रेश अप के डब्बे ले लो। अब ये ले लूँ हार्ड कोर लूँ, अब बॉडी ख़त्म हो गई। हार्ड कोर लो, ये कितने की पड़ेगी यार? ये कैसे बताएंगे इसके रेट क्या है? नहीं है ये एक्सपोर्ट वाला बाहर वाला माल है भाई। अब ये मैं ट्राई करूंगा, उसका तो रिजल्ट बहुत अच्छा है यार। बन गई, बिना एक्सरसाइज वगैरह हो गई है। हमारा पहले 45 मिनट या आधा घंटा ना क्रॉसफिट होता है, फिर उसके बाद जो है ना 1 घंटे तक एक्सरसाइज होती है। वो मैं तुम्हें इसी वीडियो में दिखा दूँ, ना प्रॉपर व्लॉग बना के ना दिखाऊंगा। तो अभी ना चलते हैं घर, भूख बहुत लग रही है यार। भाई क्या खाया अभी जिम से आया? तो देखो ये क्या खाना पड़ा हुआ है, कबाब पराठा आया हुआ है, तो उसको तो छोड़ नहीं सकते। आप क्या खा रहे हो? कचौरी खा रहे हो?
तो अभी ये जल्दी से हम लोग खाते हैं। वैसे ही आज ना मैंने सिर्फ वही दो अंडे खाए हैं, तो खैर होती है, वॉक कर लेंगे हम लोग। तो अभी ये खाते हैं। अभी जो है ना हम लोग ना हेजॉग का ना जेंडर चेक कर रहे हैं, ये बिल्कुल चिल है, ये अब खतरा महसूस नहीं कर रहा है। इसके जो कांटे हैं ना मुझे बिल्कुल भी नहीं चुभ रहे। जब ये डरा हुआ होगा ना ये अपने फुल कांटे फुला लेगा, फिर उसको ऐसे चुभते हैं ना इसके कांटे। अभी बिल्कुल चिल है, ये बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, बिल्कुल नहीं चुभ रहे इसके कांटे। ये देखो दबा रहा हूँ मैं पूरा, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर ये मुझसे अब खतरा महसूस करेगा ना ये फुल बॉल बन जाएगा, फुला लेगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता इसने फुलाने शुरू करें, फिर ये चुभेंगे। अभी जो है ना रात हो रही है, हल्की हल्की ना बारिश भी हो रही है। अभी मैं और कबीर ने इनको वॉक पे लेके आ रहे हैं। सिर्फ मैंने इसको ये बैल चलाता हूँ, फिर ये ना इसके पीछे पीछे ही आ रहा होता है। वैसे पहनाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन गाड़ियों और बाइक वगैरह से बचाने के लिए ना। कहाँ से पकड़ा, कहाँ से पकड़ा? हमने ना पीछे गली से पकड़ा, हमने पीछे गली से पकड़ा। कहाँ गया दूसरा? सोसाइटी थक गया ढूंढ ढूंढ के, चलो यार शुक्र है मिल गया। मेल बहुत बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है यार। ये देखो ये रहा, ये ना आज जाता हमें तो लगा, मुझे लगा अब ये नहीं मिलेगा। एक आदमी वॉक कर रहा था, अब उससे डर के भागने लगा, ये उसके पीछे पीछे भागने लगा। ये खेलने के लिए भाग रहा था, समझे वो काटने भाग रहा है, और वो इतनी नहीं दूर निकल गया, मुझे दिख भी नहीं रहा था। फिर बच्चे इसको ढूंढ करना है। नेक्स्ट डे जो है ना पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड का ना सेमीफाइनल है, सेकेंड इनिंग चल रही है। मैंने पूरा मैच दिखाया नहीं, वो फिर ना कॉपीराइट वगैरह का इशू होता है, तो मोहम्मद हारिस आउट हो गया और आखिरी ओवर है। तो देखो पता नहीं क्या होता है यार। चचा हैं, चचा हैं कौन? हाँ चचा हैं। यस कहाँ से हम लोग फाइनल में पहुँच गए। शुरू में ही हम लोग बाहर हो रहे थे यार, सबसे नीचे थे, और अब फाइनल में पहुँच गए। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? अब फाइनल भी जीतेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जो है फाइनल में पहुंच गए, तो हमारे पास अभी से फिलहाल ना यही पटाखे हैं, तो ये अभी फाड़ते हैं। एक लो, एक लो, देखो खुद ही पड़ गया। डरो नहीं, ग्रेनेड नहीं है, पटाखे हैं छोटे। ये लो, डर ऐसे रहो, ग्रेनेड दे दियो। इतनी प्यार से फेंकोगे तो फटेगा वो। आयन हटो हटो। अब जो सीन चल रहा है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूट्यूबर है, चलो उसका नाम ले लेता हूँ, मुश्कात खान। उसने अपनी वीडियो में मेरे बारे में कुछ बोला है, और मुझे उसकी बात का इतना सभी ना बुरा नहीं लगा। पता नहीं लोग क्या कुछ नहीं बोल रहे होते, पर मेरी जो ऑडियंस है ना वो भड़क गई, और कमेंट में ना वो लोग लड़ पड़े। तो यार देखो हमारी तरफ से ना किसी को भी ना हेट नहीं जाना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी ना उसकी बात का बुरा नहीं लगा। तो मिशकात खान ने भी ना मुझसे ना पहले DM पे बात कर ली, तो जो भी हमारा सीन था ना वो सब क्लियर वगैरह हो चुका है। और उसने मुझे खुद ही बोला कि हम लोग कोलैब करते हैं, कोलैब करके सारा सीन बता देते हैं। मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी, लोग ऐसे मौक़ों की तलाश में होते हैं। उसके 3 या 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, और जब हम लोग कोलैब करते हैं तो ऑडियंस जो है वो डिवाइड भी होती है, मेरे क्या पता 100K भी हो जाते हैं। पर तुम लोगों को पता है शुरू से मेरा कि मुझे 100K अपनी मेहनत पे करने, बिना किसी कोलैब के साथ। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना ना हम लोग अभी कोलैब कर रहा होता। तो आगे आके इंशाल्लाह कोलैब करेंगे, और सारा जो सीन है ना वो क्लियर कर लेंगे अच्छे से। सब कुछ क्लियर हो चुका है, और बस हमारी तरफ से ना किसी को ना हेट नहीं आना चाहिए। बस अब ये टॉपिक यहाँ पे खत्म। तो एंड में ना मुझे अपनी ऑडियंस से बात करनी है यार। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी इस तरह की ऑडियंस होगी। मुझे लगा कि कभी कुछ होगा तो 1-2 लोग सपोर्ट करने आएंगे, पर ये तो पूरी आर्मी है यार। मुझे कोई कुछ इतना सा भी बोल देता है, मुझसे पहले लोग पहुंच जाते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो यार कसम से मैं इतनी अच्छी ऑडियंस जो ना मैं डिजर्व ही नहीं करता, ना मैं कंसिस्टेंट हूँ, ना मैं वीडियोज डालता हूँ, पर तब भी तुम लोग मुझे ना सपोर्ट करते हो। तो दिल से थैंक यू सो मच एक एक बंदे को जो मुझे सपोर्ट करता है। तो बस हम लोग अपनी इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.